दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों हमने हमारे पिछले जो कार्यक्रम में चर्चा की थी नेजर ब्लॉकेज की समस्या, आज हम एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जो बहुत ही कॉमन समस्या और व्यक्ति कभी ना कभी अपनी उम्र के किसी हिस्से में या और कोई घर का उसका सदस्य इस समस्या से पीड़ित होता है, वो है स्नोरिंग, खर्राटों का आना। क्या है स्नोरिंग? जब व्यक्ति रात को सोता है तो उसको नॉर्मली नाक से सांस नहीं आके नेजल ब्लॉकेज रह के उसको मुंह से सांस आना और तेज़ आवाज़ का होना, वाइब्रेशन का होना, उसको स्नोरिंग बोलते हैं। जब नाक ब्लॉकेज होने के बाद जब मुंह से सांस लेता है, नैरो एयर में से जब ऑक्सीजन अपने जब जाती है तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ का जो वाइब्रेशन होता है उससे खर्रांटे की समस्या उत्पन्न होती है। स्नोरिंग और खर्रांटे के कारण जब अपना जो है सांस में रुकावट पैदा हो जाती है तो उससे अपने शरीर के अंदर अपने ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगती है, और उस ऑक्सीजन की मात्रा को कमी को पूरा करने के लिए अपने हार्ट को बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्क करना पड़ता है, और लंबे समय तक अगर हार्ट अत्यधिक मात्रा में वर्क करता है तो उसके कारण अपने हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाती है और बहुत बार व्यक्ति में हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण अपने ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन कम मिलती है और CO2 बढ़ जाती है तो अपने ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति रात भर अपनी पूरी नींद पूरी नहीं कर पाता तो उसको पूरे दिन भर डे टाइम स्लीपनेस की प्रॉब्लम रहती है, उसको दिन भर नींद का आना रहेगा, थकावट का महसूस करना रहेगा, बहुत थोड़ा सा वर्क करने के बाद उसको थकान का महसूस होगा, वह एक आलस्य जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा, पूरे रात भर उसको जब स्नोरिंग की समस्या रहती है तो उससे उसकी लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वह इरिटेबल रहता है। दूसरी तरफ जब उसको मुंह से सांस लेता है तो उसका गला हमेशा सूखा हुआ रहता है और पेशेंट रात को जहाँ पे सोने के बाद एक फ्रेश फील करता है वहाँ उसको मॉर्निंग हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, वो उठते ही अपने उसको हेडेक की कंप्लेन रहती है। दूसरी ओर एक बड़ी गंभीर समस्या जिसके कारण स्नोरिंग के कारण जो होती है वो होती है लंबे समय तक अगर स्नोरिंग आपको रहती है तो उसको पेशेंट की लॉस ऑफ या डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर होती है, जिसको हम लॉस ऑफ लिबिडो बोलते हैं, जो एक गंभीर परिणाम सोसाइटी में बहुत बार एक तलाक का विषय, डाइवर्स का विषय भी बन जाता है। एक साधारण बीमारी जब इतनी गंभीर बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है तो जानिए, पहचानिए अपनी समस्या को। इसका निवारण है आप नियमित व्यायाम करके, अपने कारण को पहचान के, और जो इस जो डॉक्टर है आपका नियर बाई उससे जाके, और इसका इलाज संभव है, इसको अपने को इग्नोर नहीं करना है और होने वाले इतने दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। दोस्तों आपने जाना देखा स्नोरिंग की समस्या के बारे में, आप अपनी समस्या का निवारण आप मुझे अपने मेरे फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगली बार हम हमारे अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नेजल ब्लीडिंग की समस्या। जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।